बीसीसीआई के सचिव जय शाह आईसीसी के अगले चेयरमैन होंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑन क्रिकेट मैच में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी खबर पर चर्चा करने वाले हैं। बीसीसीआई के मौजूदा सचिव जय शाह को इंटरनेशनल काउंसलिंग यानी आईसीसी का नया चेयरमैन चुन लिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फैसले का विश्व क्रिकेट पर क्या असर हो सकता है और खासकर पाकिस्तान को लेकर जय शाह का क्या बड़ा फैसला हो सकता है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी के अगले चेयरमैन के रूप में चुन लिया गया है। वह 1 दिसंबर 2024 से इस पद को संभालेंगे और यह पदभार उन्हें मौजूदा चेयरमैन ग्रेग ब्राकले से मिलेगा, जिनका कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है। दोस्तों जैसा कि उम्र मात्र 35 साल है अभी और वह आईसीसी के इतिहास के सबसे युवा चेयरमैन होंगे। इसके अलावा वह इस पद पर पहुंचने वाले पांचवें भारतीय होंगे। उनसे पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार और एस श्रीनिवासन और साथ ही साथ शशांक मनोहर इस प्रतिष्ठित पद पर रह चुके हैं। जैसा को इस पद के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड से, बोले तो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड से, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में समर्थन मिला। पिछले 5 सालों में उन्होंने बीसीसीआई के सचिव के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई और दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। शायद यही वजह है कि उन्हें इस पद के लिए कोई चुनौती नहीं मिली और वह निर्विरोध रूप से आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में चुन लिए गए हैं। अब बात करते हैं उस मसले की जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को चिंता में डाल दिया है। अगले साल 2025 में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के भाग लेने के लेकर सवाल उठ रहे हैं। पीसीबी को उम्मीद थी कि आईसीसी किसी तरह बीसीसीआई को इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए मना लेगी, लेकिन अब जैसा आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं तो संभव इस टूर्नामेंट को आयोजन हाइब्रिड मॉडल पर हो सकता है, या तो इसे पाकिस्तान से पूरी तरीके से बाहर शिफ्ट कर दिया जाए, या तो यूएई में या फिर दुबई में। दोस्तों तो देखने वाली बात होगी दोस्तों आईसीसी के नए चेयरमैन के रूप में जैसा किस तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों जैसा के आईसीसी चेयरमैन बनने से विश्व क्रिकेट में भारत का दबदबा और भी बड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जैसा का पहला बड़ा फैसला क्या होगा, इसका विश्व क्रिकेट पर क्या असर पड़ेगा। आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।